नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पीएससी अकेडमी से। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय में शासकीय भवन मुख्यालय तथा प्रशासनिक भवन व उसके मुख्यालय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा है छत्तीसगढ़ का मैप। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप। यह है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है बस्तर संभाग, मिडिल पोर्शन में पकड़ना है दुर्ग संभाग व रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग व सरगुजा संभाग। यह आपका है दोस्तों कांकेर नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। दुर्ग संभाग में है दोस्तों कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। ये आपका है बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हमारा है छत्तीसगढ़ का मैप। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं शासकीय भवन व मुख्यालय। शासकीय भवन व मुख्यालय सबसे पहला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं दोस्तों। शासकीय भवन व मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा, यह आपका है दोस्तों रायपुर। इसके लिए आपको पकड़ना है एक तो रायपुर और दूसरा यहां पर है दोस्तों नया रायपुर। रायपुर और नया रायपुर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर व नया रायपुर। सबसे पहले पकड़ते हैं दोस्तों रायपुर। सबसे पहले डिस्कस करते हैं रायपुर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रायपुर में कौन कौन से शासकीय भवन है ये हम डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन। यह है दोस्तों आपके रायपुर में। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन को कहा जाता है दोस्तों मिनी माता भवन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन जो है रायपुर में, इसे कहा जाता है दोस्तों मिनी माता। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन मिनी माता भवन छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन जो है दोस्तों रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन मिनी माता भवन। इसके बाद देखते हैं दोस्तों रायपुर जिला पंचायत भवन को कहा जाता है दोस्तों मितानिन। दिमाग बैठाइएगा दोस्तों, रायपुर जिला पंचायत भवन को कहा जाता है मितानिन। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन मिनी माता, रायपुर जिला पंचायत भवन मितानिन भवन। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन मिनी माता, रायपुर जिला पंचायत मितानिन, ये है दोनों है दोस्तों रायपुर में। दिमाग बैठाइएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन मिनी माता, रायपुर जिला पंचायत मितानिन। रायपुर नगर निगम प्रवेश द्वार को कहा जाता है दोस्तों रेणुका। रायपुर में है दोस्तों छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन मिनी माता, रायपुर जिला पंचायत मितानिन भवन, रायपुर नगर निगम प्रवेश द्वार रेणुका। इसके अतिरिक्त देखना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खनिज भवन रायपुर में स्थित है दोस्तों। खनिज भवन को कहा जाता है सोना खान भवन। जल संसाधन भवन। खनिज भवन है सोना खान, जल संसाधन भवन है दोस्तों सिहावा भवन।
छत्तीसगढ़ में खनिज भवन को कहा जाता है सोना खान, जल संसाधन भवन को कहा जाता है दोस्तों सिहावा भवन। इसके अतिरिक्त पकड़ना है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खनिज भवन सोना खान, जल संसाधन भवन सिहावा। इसके बाद पकड़ना है दोस्तों वन विभाग, वन विभाग, वन विभाग भवन, वन विभाग का जो मुख्यालय है दोस्तों, वन विभाग मुख्यालय या वन विभाग भवन, वन विभाग का मुख्यालय को कहा जाता है दोस्तों अरण्य, वन विभाग मुख्यालय को कहा जाता है अरण्य। राज्य चिकित्सालय भवन, राज्य चिकित्सालय मुख्यालय, राज्य चिकित्सालय, राज्य चिकित्सालय मुख्यालय या भवन, राज्य चिकित्सालय भवन को कहा जाता है दोस्तों संजीवनी, संजीवनी। इसके अतिरिक्त दोस्तों विधानसभा, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष निवास गृह, विधानसभा अध्यक्ष निवास गृह को कहा जाता है दोस्तों संवेदना, विधानसभा अध्यक्ष निवास गृह को कहा जाता है संवेदना। जबकि मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री निवास गृह को, मुख्यमंत्री निवास गृह को कहा जाता है दोस्तों करुणा, करुणा भवन। यह है दोस्तों रायपुर में स्थित है कुछ शासकीय भवन, छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन मिनीमाता, रायपुर जिला पंचायत भवन मितानिन भवन, रायपुर नगर निगम प्रवेश द्वार रेणुका भवन, खनिज भवन है दोस्तों सोना खान, जल संसाधन भवन सिहावा, वन विभाग मुख्यालय अरण्य, राज्य चिकित्सालय संजीवनी, विधानसभा अध्यक्ष विश्राम गृह संवेदना, मुख्यमंत्री निवास गृह है दोस्तों करुणा, मुख्यमंत्री निवास गृह है दोस्तों कहना करुणा। राज्य शासन, राज्य शासन विश्राम गृह, राज्य शासन विश्राम गृह, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, राज्य शासन विश्राम गृह ये कहलाता है दोस्तों पहुना, राज्य शासन विश्राम गृह पहुना। जबकि विधायक, जबकि विधायक विश्राम गृह, विधायक विश्राम गृह, विधायक विश्राम गृह को कहते हैं दोस्तों संगवारी, विधायक विश्राम गृह को कहते हैं दोस्तों संगवारी। पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लोक स्वास्थ्य तथा अभियांत्रिकी, पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय इसे कहा जाता है दोस्तों रामगिरी। पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय, मुख्य अभियंता कार्यालय चीफ इंजीनियर ऑफिस ये है दोस्तों रामगिरी में, पीएचई चीफ इंजीनियर ऑफिस ये है दोस्तों रामगिरी भवन कहलाता है, पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय इसे कहा जाता है दोस्तों रामगिरी भवन, इसे कहा जाता है दोस्तों रामगिरी भवन। रायपुर टाउन हॉल, रायपुर स्थित टाउन हॉल, रायपुर स्थित टाउन हॉल को कहा जाता है दोस्तों चौपाल, रायपुर स्थित टाउन हॉल को कहा जाता है दोस्तों चौपाल। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों कुछ प्रमुख शासकीय भवन को डिस्कस किया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कुछ शासकीय भवन को हमने डिस्कस किया है और इस भवन के कुछ स्पेसिफिक नाम है, ध्यान दीजिएगा, रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन मिनीमाता भवन, रायपुर जिला पंचायत मितानिन, रायपुर नगर निगम प्रवेश द्वार रेणुका, खनिज भवन सोना खान, जल संसाधन भवन सिहावा, वन विभाग मुख्यालय अरण्य, राज्य चिकित्सालय संजीवनी, विधानसभा अध्यक्ष निवास गृह संवेदना, मुख्यमंत्री निवास गृह करुणा, राज्य शासन विश्राम गृह पहुना, विधायक विश्राम गृह संगवारी, पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय रामगिरी और रायपुर टाउन हॉल ये कहलाता है दोस्तों चौपाल, रायपुर टाउन हॉल ये कहता है तो कहलाता है दोस्तों चौपाल। ये पकड़ना है दोस्तों नया रायपुर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों नया रायपुर में, ध्यान दीजिएगा नया रायपुर में पकड़ना है मंत्रालय व सचिवालय, नया रायपुर में पकड़ना है दोस्तों मंत्रालय व सचिवालय, सचिवालय मंत्रालय व सचिवालय मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी ऑफिस ये कहलाता है दोस्तों मंत्रालय व सचिवालय भवन, ये कहलाता है दोस्तों आपका महानदी भवन, ये कहलाता है दोस्तों महानदी भवन,
महानदी भवन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नया रायपुर में स्थित है मंत्रालय व सचिवालय भवन, मिनिस्ट्री एंड सेक्रेटरी बिल्डिंग, ये है दोस्तों महानदी भवन, मंत्रालय व सचिवालय भवन, ये स्थित है दोस्तों नया रायपुर महानदी भवन। दूसरा पकड़ना है दोस्तों विभागाध्यक्ष, विभागा विभाग के अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष भवन, या इसी के कहते हैं दोस्तों संचनालय भवन या डायरेक्टरेट बिल्डिंग, मंत्रालय व सचिवालय भवन इसे कहा जाता है दोस्तों महानदी भवन, विभागाध्यक्ष भवन, संचनालय भवन या आपका डायरेक्टरेट बिल्डिंग, ये कहलाता है दोस्तों इंद्रावती, ये कहलाता है दोस्तों इंद्रावती भवन, ये आपका है इंद्रावती भवन। तो यहां पर हमने डिस्कस किया दोस्तों शासकीय भवन, एक रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रायपुर में कौन कौन से भवन स्थित है, कौन कौन से शासकीय मुख्यालय है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पकड़ते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन मिनीमाता, रायपुर जिला पंचायत मितानिन, रायपुर नगर निगम प्रवेश द्वार रेणुका, खनिज भवन सोनाखान, जल संसाधन भवन सिहावा, वन विभाग मुख्यालय अरण्य, राज्य चिकित्सालय संजीवनी, विधानसभा अध्यक्ष निवास गृह संवेदना, मुख्यमंत्री निवास गृह करुणा, राज्य शासन विश्राम गृह पहुना, विधायक विश्राम गृह संगवारी, पीएचई मुख्य अभियंता कार्यालय रामगिरी, रायपुर टाउन हॉल चौपाल, ये सब है दोस्तों रायपुर में। जबकि नया रायपुर में दो पकड़ना है, पहला है दोस्तों मंत्रालय व सचिवालय भवन महानदी भवन कहलाता है, दूसरा है दोस्तों विभागाध्यक्ष भवन या संचनालय भवन या डायरेक्टरेट बिल्डिंग इंद्रावती भवन। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों प्रशासनिक मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रशासनिक मुख्यालय, देखिएगा दोस्तों इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रशासनिक भवन व मुख्यालय। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों प्रशासनिक भवन व मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रशासनिक भवन व मुख्यालय, दोस्तों प्रशासनिक मुख्यालय, अगला हम देखने जा रहे हैं प्रशासनिक मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों प्रशासनिक मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा प्रशासनिक हेडक्वार्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पकड़ना है आपका राजनांदगांव, ये आपका है दोस्तों राजनांदगांव, यहां पकड़ना है दोस्तों दुर्ग, ये है दोस्तों भिलाई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों दुर्ग भिलाई रायपुर, और ये पकड़ना है बिलासपुर, ये पकड़ना है दोस्तों बिलासपुर, ध्यान दीजिएगा यहां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये हम पढ़ने जा रहे हैं प्रशासनिक मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले पकड़ते हैं राजनांदगांव, राजनांदगांव में स्थित है शासकीय मुद्रणालय गवर्नमेंट प्रेस स्थित है दोस्तों राजनांदगांव में, शासकीय मुद्रणालय जो कि राजनांदगांव में स्थित है, यह पकड़ना है आपका दुर्ग, यह है दोस्तों दुर्ग, ये आपका है दुर्ग, और यह है दोस्तों भिलाई दुर्ग, ध्यान दीजिएगा दोस्तों दुर्ग में पकड़ते हैं, दुर्ग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों दुर्ग में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा सबसे पहले देखते हैं दुर्ग में श्रम व उद्योग मुख्यालय, दुर्ग में पकड़ना है दोस्तों श्रम व उद्योग मुख्यालय, ये स्थित है दोस्तों दुर्ग में श्रम व उद्योग मुख्यालय, चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा मुख्यालय, श्रम व उद्योग मुख्यालय, चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा मुख्यालय, रोजगार व प्रशिक्षण मुख्यालय, श्रम व उद्योग मुख्यालय, चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा मुख्यालय, रोजगार व प्रशिक्षण मुख्यालय, भू अभिलेख
लैंड रिकॉर्ड व बंदोबस्त सेटलमेंट बंदोबस्त मुख्यालय, श्रम व उद्योग मुख्यालय, चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा मुख्यालय, रोजगार व प्रशिक्षण मुख्यालय, भू अभिलेख व बंदोबस्त मुख्यालय, लैंड रिकॉर्ड एंड सेटलमेंट मुख्यालय हेडक्वार्टर। इसके बाद देखते हैं दोस्तों खेल कूद मुख्यालय, खेल कूद मुख्यालय ये स्थित है दोस्तों दुर्ग जिले में, दुर्ग में स्थित है, दुर्ग सिटी में स्थित है दोस्तों। श्रम व उद्योग, चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा, रोजगार व प्रशिक्षण, भू अभिलेख व बंदोबस्त, खेलकूद मुख्यालय। ये पकड़ते हैं दोस्तों भिलाई, भिलाई में स्थित है पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावरण संरक्षण मंडल ये स्थित है दोस्तों भिलाई में, पर्यावरण संरक्षण मंडल ये स्थित है दोस्तों भिलाई में। शासकीय मुद्रणालय गवर्नमेंट प्रेस राजनांदगांव, दुर्ग में स्थित है श्रम व उद्योग, चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण मुख्यालय, भू अभिलेख व बंदोबस्त मुख्यालय, खेलकूद। भिलाई में स्थित है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई में स्थित है दोस्तों पर्यावरण संरक्षण मंडल। ये हम पकड़ने जा रहे हैं बिलासपुर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिलासपुर। देखिएगा बिलासपुर में क्या क्या है, बिलासपुर में पकड़ना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर में है, बिलासपुर में है जेल मुख्यालय, बिलासपुर में स्थित है दोस्तों जेल मुख्यालय, यहीं पर स्थित है दोस्तों परिवहन मुख्यालय, जेल मुख्यालय परिवहन मुख्यालय, बिलासपुर में स्थित है जेल मुख्यालय परिवहन मुख्यालय, राजस्व मंडल मुख्यालय, राजस्व मंडल मुख्यालय, जेल मुख्यालय परिवहन मुख्यालय, राजस्व मंडल मुख्यालय, जेल मुख्यालय परिवहन मुख्यालय, राजस्व मंडल मुख्यालय। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों दक्षिण, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय ये स्थित है दोस्तों बिलासपुर में, जिसे हम कहते हैं बिलासपुर रेलवे जोन बोलचाल की भाषा में, ये है दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर, जेल मुख्यालय परिवहन मुख्यालय, राजस्व मंडल मुख्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय भी स्थित है दोस्तों बिलासपुर में, जेल मुख्यालय परिवहन मुख्यालय, राजस्व मंडल, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय, भंडार गृह मुख्यालय, भंडार गृह मुख्यालय, भंडार गृह मुख्यालय स्थित है दोस्तों आपका बिलासपुर में। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ये स्थित है दोस्तों आपका बिलासपुर में। इसी प्रकार से कह सकते हैं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय अधिवक्त महाअधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता का भी हेडक्वार्टर है दोस्तों बिलासपुर में। तो ये हमने डिस्कस किया, ध्यान दीजिएगा दोस्तों बिलासपुर में कौन कौन से प्रशासनिक भवन है, ध्यान दीजिएगा बिलासपुर में स्थित है दोस्तों जेल मुख्यालय, परिवहन मुख्यालय, राजस्व मंडल मुख्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय, भंडारगिरी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय महाअधिवक्ता, अर्थात महाअधिवक्ता का मुख्यालय है दोस्तों बिलासपुर में। जबकि राजनांदगांव में है शासकीय मुद्रणालय गवर्नमेंट प्रेस, दुर्ग में है श्रम व उद्योग भवन या श्रम व उद्योग मुख्यालय, चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा मुख्यालय, रोजगार व प्रशिक्षण मुख्यालय, भू अभिलेख व बंदोबस्त मुख्यालय, खेलकूद मुख्यालय। जबकि भिलाई में स्थित है पर्यावरण संरक्षण मंडल मुख्यालय। अब हम रायपुर में देखने जा रहे हैं दोस्तों प्रशासनिक मुख्यालय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों रायपुर के प्रशासनिक मुख्यालय, उच्च शिक्षा व स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा व स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा व स्कूली शिक्षा मुख्यालय दोस्तों रायपुर में। स्कूली शिक्षा का मतलब है दोस्तों छत्तीसगढ़ सीजी बीएसई, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीजीबीएसई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों
उच्च शिक्षा व स्कूली शिक्षा का मुख्यालय है रायपुर में। व्यावसायिक व्यावसायिक परीक्षा मंडल, व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात सीजी छत्तीसगढ़, व्यावसायिक परीक्षा मंडल छत्तीसगढ़, व्यावसायिक परीक्षा मंडल इसे हम कह सकते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल अर्थात सीजी व्यापम, सीजी व्यापम का मुख्यालय भी है दोस्तों आपके रायपुर में। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्यालय भी है दोस्तों रायपुर में। उच्च शिक्षा व स्कूली शिक्षा का मुख्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल का मुख्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का मुख्यालय रायपुर। इसके अतिरिक्त पकड़ते हैं दोस्तों संचालक, संचालक बजट व वित्त का मुख्यालय, संचालक बजट व वित्त का मुख्यालय है दोस्तों रायपुर। संचालक, संचालक कृषि एवं उद्यानिकी, कृषि व उद्यानिकी का मुख्यालय भी है दोस्तों रायपुर। संचालक बजट व वित्त का मुख्यालय रायपुर, संचालक कृषि व उद्यानिकी का मुख्यालय रायपुर। संचालक आयुक्त, संचालक आयुक्त चिकित्सालय का मुख्यालय भी है दोस्तों रायपुर। उच्च शिक्षा व स्कूल शिक्षा का मुख्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम का मुख्यालय रायपुर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी, संचालक बजट व वित्त, संचालक कृषि व उद्यानिकी, संचालक आयुक्त व चिकित्सालय। इसके अतिरिक्त देखते हैं दोस्तों महिला व बाल विकास रायपुर में स्थित है दोस्तों, महिला व बाल विकास मुख्यालय, महिला व बाल विकास मुख्यालय रायपुर, महिला व बाल विकास मुख्यालय रायपुर, महिला व बाल विकास मुख्यालय रायपुर। आदिवासी विकास, आदिवासी विकास मुख्यालय है दोस्तों रायपुर। ग्रामो उद्योग, ग्रामो उद्योग, ग्रामो उद्योग, ग्रामो उद्योग, ग्रामो उद्योग मुख्यालय, ग्रामो उद्योग मुख्यालय है दोस्तों रायपुर। महिला व बाल विकास मुख्यालय रायपुर, आदिवासी विकास मुख्यालय रायपुर, ग्रामो उद्योग मुख्यालय रायपुर, महिला व बाल विकास मुख्यालय रायपुर, आदिवासी विकास रायपुर, ग्रामो उद्योग विकास रायपुर। इसके अतिरिक्त देखते हैं दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसके अतिरिक्त देखते हैं पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक मुख्यालय आपका है दोस्तों पुलिस महानिदेशक मुख्यालय, यह भी स्थित है दोस्तों रायपुर। डीजीपी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस मुख्यालय रायपुर। होम गार्ड मुख्यालय, होम गार्ड मुख्यालय रायपुर, होम गार्ड मुख्यालय रायपुर। रायपुर राजधानी परियोजना, राजधानी परियोजना मुख्यालय, राजधानी परियोजना मुख्यालय रायपुर। इसके अतिरिक्त पकड़ना है दोस्तों वन विकास निगम, वन विकास निगम दिमाग में बैठाइएगा, राजधानी परियोजना मुख्यालय रायपुर, वन विकास निगम रायपुर। प्रशासन व विकास, नगरीय प्रशासन व विकास का मुख्यालय है दोस्तों रायपुर। पंचायत, पंचायत समाज कल्याण, पंचायत समाज कल्याण का मुख्यालय है दोस्तों रायपुर। नगरीय प्रशासन और विकास, पंचायत समाज कल्याण का मुख्यालय रायपुर। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी अर्थात पीएचई, पीएचई का मुख्यालय है दोस्तों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का मुख्यालय है दोस्तों रायपुर। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया कि रायपुर में कौन कौन से प्रशासनिक मुख्यालय है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। राजनांदगांव स्थित है शासकीय मुद्रणालय अर्थात गवर्नमेंट प्रेस,
दुर्ग में स्थित है दोस्तों श्रम व उद्योग मुख्यालय, चिकित्सा व तकनीकी शिक्षा मुख्यालय, रोजगार व प्रशिक्षण मुख्यालय, भू अभिलेख व बंदोबस्त मुख्यालय, खेलकूद मुख्यालय। भिलाई में स्थित है पर्यावरण संरक्षण मंडल। बिलासपुर में स्थित है दोस्तों जेल मुख्यालय, परिवहन मुख्यालय, राजस्व मंडल मुख्यालय, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन, भंडार गृह मुख्यालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय महाअधिवक्ता। रायपुर में स्थित है दोस्तों उच्च शिक्षा व स्कूल शिक्षा मुख्यालय, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल मुख्यालय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग मुख्यालय, संचालनालय संचालक बजट व वित्त मुख्यालय, संचालक कृषि व उद्यानिकी मुख्यालय, संचालक आयुक्त चिकित्सा मुख्यालय, महिला व बाल विकास मुख्यालय, महिला व बाल विकास मुख्यालय, आदिवासी विकास मुख्यालय, ग्रामोद्योग मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक डीजीपी मुख्यालय, होमगार्ड मुख्यालय, राजधानी परियोजना मुख्यालय, वन विकास निगम मुख्यालय, नगरी प्रशासन व विकास मुख्यालय, पंचायत समाज कल्याण मुख्यालय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मुख्यालय। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों शासकीय भवन मुख्यालय तथा प्रशासनिक मुख्यालय।